जलाल में आया मैंने मलाइका जाऊंगा कि मोहम्मद से पूछो अगर अर्ज करे तो मैं पहाड़ों में पीस कर अब बंदे मार ना दूं चलते हुए खून में मुस्कुराते हुए आमीना के नाम के लिए अल्लाह तूने मुझे सिर्फ नबी नहीं आलमीन की रहमत बना के भेजा अल्लाह मैं कुछ ये नबी की तरह बंदे नवाजे भी आया मैं यानी वाली नस्लों को कल में भरा के बताऊंगा ये मुस्तफा का सबर है नूर बहरा कितनी रिकॉर्डिंग हो गई मुझे बताइए कितना टाइम हो गया हनी पौना घंटा यानी वीडियो वाले भाई नारा लगा रहे ये क्या है सब मिंबर कुरान से खाली है हमारे यहां छह छह घंटे की खिताबात में कुरान नहीं पढ़ा जाता और शायद ही एक ना चुगी के अंदर एक बुजुर्ग बह रहे सन से सारा दिन तिलावत करी जाते सारी दिहाड़ी तिलावत करी जाते पोतरे ने आके कहा दादा तू सारा दिन करदा कख नहीं तिलावत ही करी जाना है ते साड़ी ते मज भी नहीं मिलती तेरी तिलावत ना छोटे जे पोतरे आके कहा अब्बा दादा तू सारा दिन तिलावत करना है सुने है तिलावत की बड़ी बरकत होंगी ते साड़ी ते मज नहीं मिलती ते तू तिलावत करी जाना है कट्टा नहीं देंदी मज कट्टी नहीं देंदी साड़े ते हालात नहीं बदलते ते तू तिलावत करी जाना है ना बाल्टी पई सी कोलिया वाली कोयले कोयलिया वाली बाल्टी च मोरिया होंदिया ने उहदे च कोयले पा के अग वाली जगह च लै गए उह दादे ने वार वारी उरां काका तू ए बाद सुनी ए पानी लिया इस बाल्टी च उह दरिया सी कोल उह नस के गया पानी भरिया बाल्टी च दादे दे कोल आया ते पानी कोई ना उह सारा रुड़ गया उह पानी नहीं लिआंदा उह दादा मैं लिआंदा सी उह सारा रुड़ गया ਉਹ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੁਰਾਖਾਂ ਚ ਉਹ ਦਾਦੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਕਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਸਕਿਆ ਬਾਲਟੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਤੇ ਕਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ असी खैर नाले नूं छड़ गए है क्या है सबर अब आप तवज्जो करें मैं खिताब शुरू करूं सूरह हूद को तिलावत कर रहा हूं ग्यारहवां सूरा है जिस आयत को पढ़ रहा हूं वो भी ग्यारहवीं है एक थे वो बोलेगा जिन्हें कभी ग्यारहवीं खाधी का गुमन्ना लाया उस बार अल्लाह कह रहा हूं दसवीं और ग्यारहवीं आयत पढ़ रहा हूं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलाइन अज़क्नाहू अल्लाह उन्हें दराज करे बेटा आपको बड़ा मजा आता है अब मैं इस आयत को पढ़ता हूँ दो आयत मैंने एक आयत पूरी और एक आयत आधी तिलावत कर दी आप तवज्जो करें वाला इन वा और लकीन अगर अजक जायका मजा ना
हम हूं इंसान। अगर हम किसी इंसान को मजा दें, नामा आसानी का, रहमत का, बरकत का, करम का, बाद दर्रा मुसीबत के बाद, परेशानी के बाद, मसत हूं जो उसे पहुंची हो, बड़ी टेंशनों के बाद अगर हम किसी पर कर्म कर दें, इससे आसान नहीं मैं कर सकता। उम्र दराज करे, बड़ा सोना सुन रहे हैं। अगर हम किसी इंसान पर मुसीबत के बाद कर्म कर दें, लयकूल अल्लाह, वो जरूर कहेगा वहाबत सयात वनी, मुसीबत दूर होगी, नो टेंशन, अब मैं रिलीफ में हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सुनो मेरे बंदो, इन्नहू लफारिहुन फखूरू, वो तकब्बुर करेगा, फखर करेगा, उसकी गर्दन में शरिया आ जाएगा, अपनी औकात भूल जाएगा। इल्लल्लज़ीन सबरू, लेकिन जो सबर वाले हैं उन्हें जितनी अजमत और शान दूं वो उतने झुकते चले जाते हैं। पता चला अल्लाह इज्जत दे बंदे की गर्दन में सरिया ना आए, इसी को सबर कहते हैं। अल्लाह फरमाते हैं बंदा झुकता जा रहा है, मुझे बुल्ले शाह याद आए। बाबे बुल्ले शाह बादशाह रहमतुल्लाह ने सबर का तर्जमा करते हुए कहा था, खुल्ला दान तू इतर बना, इतर दान तू कट दरिया, मछलियां वांगू को दिखा। इन्ना को इतर लाइए तो सारा पिंड को शाह जी की ला के आएंगे। हजरत बुल्ले शाह कहते हैं फुल्ला दा तू इतर बना, इतर दा तू कड दरिया, मछलियां वालू गोते खा, फिर भी तेरी बोल नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं लूंगा। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है। हजरत बुल्ले शाह कहते हैं मक्के गयो गल मुकदी नहीं, पावे सौ सौ जुमे पढ़ाइए, गया गयो गल मुकदी नहीं, पावे सौ सौ पंड पढ़ाइए, गंगा गयो गल मुकदी नहीं, पावे सौ सौ गोते लाइए, बुल्ले शाह गल उदों मुकदी जदों मैनू दिलूंगा। पता चला अल्लाह इज्जत दे बंदे की थौल में सरिया ना आए, इसी को सब्र कहते हैं। मुझे इजाजत दे मैं तकरीर शुरू करूं। मैं दो आयतें और पढ़ना चाहता, लेकिन मेरे सर में शदीद दर्द है, ये यहां से दर्द शुरू है और ये सारा दर्द है। मैं आते ही बेहोश था, अब मुझे बस इजाजत दे दें इन दो आयतों के बाद। शुक्र आपके साथ उदार हो गया, हो गया सब्र भी उदार हो गया, क्योंकि आपने मेरे बात सोचना है। ये बात सोचना है यार, जिस कुरान का सब्र इतना वसी है, नहीं उसका सब्र जमील कितना, ये सोचने के सब्र जमील पर शाह साहब ने नहीं पढ़ा, ये तो सब्र बता रहे थे जी, ये तो पहला मकाम है जी, आप सुन रहे हैं। नहीं मेरी बात सुने ना जी, देखिए मेरी बात सुने, एक लफ्ज़ है नक्स मिन अमवाल, माल में नुकसान हो जाए, एक लफ्ज है लफी खुसरी, खसारा हो जाना जी, टोटल। वाह मौशा साहब जिंदाबाद, आपने आसान कर दिया, यानी आपने बताया कि नक्श भी नुकसान है कुछ, शाबाश शाह साहब, या मेरी सोच से ऊपर गए हैं मौजदरिया शाह, सच्ची मैं दाद देता हूं कसम बा खुदा, नहीं मेरी सोच से ऊपर गए आप, क्या रिसर्च है आपकी। यानी एक लफ्ज है नुकसान अरबी में कुरान में नक्श, एक लफ्ज है खुसरान खसारा, लफी खुसरी वाला उसका माना भी नुकसान है। शाह साहब ने बताया कि नुकसान वो नुकसान है
जिसमें कुछ नुकसान हो टोटल ये मैनेजर है बैंक में और डबल एम ए है और एम फिल मुकम्मल है, पीएचडी स्कॉलर है, जुमा पढ़ाते हैं, कमाल आदमी है ना। इसे जरा दोबारा जी जरा नक्श वो नुकसान है जो पार्शल क्लेम थोड़ा नुकसान हो गया कुछ बच गया, यानी बंदे 60,000 का फल आया उसका ख्याल सी राति 70 बटांगा उसका 45,000 का बच गया बाकी गल गया, ये वो नुकसान है। जे खसारा हो जाए तो फिर उसका किसी की जमीन से 2 करोड़ की फैक्ट्री ला घर आ गया राति अग लग गई है तीला नहीं बचिया इनू खसारा आते। अब आप मुझे इजाजत दें तो मैं इसे कुरान से पढ़ूं। पूरे कुरान में जब नुकसान का लफ नक्स का आता है तो अल्लाह फरमाते हैं नक्स मिनल अमवाल वल अनफुस व समराद, तू बीमार हो गया है तो तेरा नुकसान हुआ है, तेरी मझ मर गई है तो तेरा नुकसान हुआ है, तेरा कोई माल चला गया तो तेरा नुकसान हुआ है, पर लफी खुसरी इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलु शालिहाति वतवासौ बिलहक़्कि वतवासौ बिस्सबर, अगर तेरा सबर चला गया तो तेरा कोई नुकसान है। नहीं बोलो ना भी समझ आ रही है, सारी दुनिया का सारा माल बर्बाद हो जाए तो कुछ नहीं गया, अगर सबर चला गया तो कख नहीं बचा। भाई बोलो किसे समझ आई है, ये इंशाल्लाह कभी इस पर बाकायदा कोशिश होगी ना जी, इसको बाकायदा पढ़ेंगे कि खुसरान खसारा किसमें है। नहीं यार नहीं शायद इंसानियत में, ईमान में, हक में और सबर में, लेकिन हमने आखिरी डिग्री, हमारा मौजू आखिरी डिग्री था ना, वरना ये इंसान ना रहे इनमें ईमान ना रहे, ये हक से हट जाए। ठंडा बोल रहे हो यार, ठंडा बोल रहे हो यार। अब ये क्या चीज है सबर, सूरह हामीम सजदा को पढ़ना चाहता 41वां सूरह है, शुक्र करो मेरी तबीयत ठीक है वरना मैं तुम्हारी तबीयत ठीक कर दे। 41वां सूरह है, मैं 34 नंबर आयत पढ़ रहा हूं, मैं 35 नंबर आयत पढ़ रहा हूं, दो आयतें तिलावत करके मैं आपसे इजाजत तलब करता हूं। अब वाक्य पे मजबूर ना कीजिएगा, कमी नहीं है कोई भी, फिर घर ही जाके पढ़ ला। फला तस्तविल हसनतु वलसय्यिआत इदफा बिल्लती ही आहसन फैजल्लजी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलीयुन हमीमुन वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरु। मेल के सुभान अल्लाह, आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, अल्लाह आपको सब्र अता फरमाए। वो क्या चीज है जो अल्लाह आपको देगा, वो क्या है, यही तो समझ आपने अंदाजा करना है अभी यहां बैठ के कि अब तक आपको अल्लाह ने सब्र दिया है या नहीं दिया। अगर तो दिया है फिर कंड नहीं लगेगी, ये तो याद होना चाहिए ना, सबर वाले की कंड, फरिश्ते सबर वालों की मदद कर, शरीका सबर वालों का कुछ बिगाड़ सकता नहीं है। तो अभी आपने चेक करना है कि आपको सबर मिला है कि नहीं मिला, मैं आज कर देता हूं।